से सादर प्रणाम, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। तो भाइयों और बहनों, कल से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, और चारधाम यात्रा के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्साह देखने के लिए मिल रहा है वो लोगों को मिल रहा है केदारनाथ के दर्शन के लिए। आप माने विश्वास नहीं करेंगे, 5 तारीख तक के, 5 अक्टूबर तक के जो स्लॉट हैं, कुछ घंटों पहले जो है वो फुल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूज़ में जहाँ जो अपडेट थी वो 45,000 लोगों ने जो है अपने दर्शन के लिए चारधाम के वो करवा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा उत्साह है केदारनाथ को लेके खास तौर पर, और बद्रीनाथ को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। और यही अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पे अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, क्योंकि उसके बिना जो है आपको चारधाम यात्रा में आपको दर्शन करने में दिक्कत आ सकती है। साथ में दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ई पास एक कंपलसरी है, और अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं, मैं मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट वाले की टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपना ग्रीन पास ज़रूर उससे कहिएगा कि ग्रीन पास ज़रूर बना लें, अदरवाइज़ जो है आपको दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो ये सारी चीज़ें ही वो लोग वहाँ पर मांगते हैं। आपसे कई चेक पोस्ट मिलेंगे, अगर आप ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तपोवन में मिलता है, फिर देवप्रयाग में, फिर जो है आपको कीर्ति नगर में, और फिर जो है नरकोटा में रुद्रप्रयाग से पहले, और फिर केदारनाथ से पहले जो है गुप्तकाशी में आपका चेकिंग होता है। तो ये सारी जगह पे जो है आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके आइएगा। एक ई पास जो कि आपको मिलता है इसके देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे, दूसरा है देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना चारधाम की, उसके बाद जो है आपको ग्रीन पास का इंतजाम भी करना है, प्लस आपको सबसे मैंडेटरी जो है कोविड प्रोटोकॉल्स को लेके, कि आपको अगर आपको दोनों वैक्सीन लगी हैं तो वो 15 दिन पहले पुरानी जो आपका सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है, दो वैक्सीन नहीं लगी है, एक ही वैक्सीन लगी है, तो आपके पास में होना चाहिए आपका RT-PCR रिपोर्ट। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। इसके अगर ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपकी गाड़ी कंप्लीट या डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आप अपनी यात्रा जो है वो नॉर्मल ढंग से कर सकते हैं। बट अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कल हम आपको लेके जाएंगे केदारनाथ, क्योंकि कल मैं खुद केदारनाथ जाने वाला हूँ अपने ग्रुप्स के साथ में, तो वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे केदारनाथ जी के आजकल वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा क्राउड है, कैसा वहाँ का वातावरण है, इन्वायरमेंट कैसा दृश्य वहाँ पर है इस टाइम पे। तो आपको कल हम ज़रूर दिखाएंगे, केदारनाथ के दर्शन ज़रूर कराएंगे अपने वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें कई कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि लोगों को आप क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी जो है अपने स्लॉट बुक कर दिए हैं अपने, आप एक धाम भी कर सकते हैं, दो धाम भी, तीन धाम भी, चार धाम भी, बट आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के जो है आप चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको अलाउ ना किया जाए ऋषिकेश से आगे, अगर आपने एक बैरियर निकाल भी दिया तो दूसरे बैरियर पे आपको जो है चेक पोस्ट पे वो पकड़ लिया जाएगा। तो आप जो है अपनी यात्रा को अगर सुगम बनाना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं यात्रा के ऊपर, तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी अपडेट, मतलब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी गाड़ी आई है ऋषिकेश से, तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर हर जगह पे उनसे मांगे गए हैं, हर जगह पे चेकिंग हुई है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और आपके लिए जो है भोले बाबा के, आप जो है भोले बाबा के और या पंच चार धाम के जो है दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं या पंच केदार यात्रा करना चाहते हैं, तो आप परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो है हम ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ से जो है आप हमसे जो है ये एक नॉमिनल कॉस्ट पर जो है ये जो है सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अपने कैंप के अंदर हूँ, और यहाँ पर आप देखिए अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हुई है, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है बहुत ही सुंदर नाइट का दृश्य मैं आपको दिखा